फेज सीक्वेंस और फेज फेलियर के जो एक्सपेरिमेंट है उसको सप्लाई प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम करेंगे ये चल लेगा सेलेक्ट नहीं करेगा खराब है एफ आई बी में बनाएंगे नहीं। अच्छा मैंने ये सिलेक्टर से जॉब नहीं किया यानी कि रेड येलो ब्लू लेना है या ब्लू येलो रेड लेना है इनमें से भी मुझे फेस सीक्वेंस सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट से फेस सीक्वेंस को सिलेक्ट किया उसके बाद इनमें से भी करेक्ट फेस सीक्वेंस और इनकरेक्ट फेस सीक्वेंस से कोई एक सिलेक्ट करूंगा मैं और अगर इसको मैं जीरो कर दूंगा तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि वो उस पर आ गया। रिलीज करने के बाद जो है सबसे पहले मोटर को चलना चाहिए लेकिन मोटर चल ही नहीं रेड लाइट चल रही है इनकरेक्ट फेस सीक्वेंस उल्टी चलनी चाहिए। नहीं असल में रिले का काम भी यही होता है कि वो मोटर को उल्टी चलने दे नहीं सकती तो वरना रिले का काम क्या हुआ वो उल्टी चला देगी और रिले भी लगी हुई है तो फायदा है क्या। तो इसीलिए भाई वो बता रहा है फेस सीक्वेंस इनकरेक्ट है और वो लोड नहीं चलाएगा इसके ऊपर वरना वो लोड चला दे तो फिर फायदा क्या होगा रिले लगाने का। तो इसीलिए उसने इनकरेक्ट फेस सीक्वेंस के बिहाफ के ऊपर उसे रन होने नहीं दिया। अब हम यहाँ पे ना करेक्ट फेस सीक्वेंस के ऊपर वो इनकरेक्ट दिखा रहा है इसका मतलब ये कि जो इनकमिंग आ रही है ना मेरे पास वो मेरी मिसाल के तौर पर ट्रेनर पे आ गई हुई है ठीक। तो अब मैं करूँगा ये कि इसको मैं यहाँ करता हूँ और कोई भी फेस सीक्वेंस एक से जैसे आशीष साहब ने बताया था मैं ये कर लेता हूँ तो वो करेक्ट हो गया। देख रहे हो तो यहाँ पर टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने देख लिया कि वो क्लॉक वाइज चल रही है ठीक है मोटर और फेस सीक्वेंस आपको करेक्ट है ऐसे ही भाई इसके लिए रिपोर्ट बनाने को कहा है ना वो टास्क यही तो दिया है आपको वो सीखेंगे ना आप जाके। अच्छा अभी काम कैसे करा मैं ये बताता चलूँ आपको। जब मैं यहाँ से सीक्वेंस सिलेक्ट करता हूँ चाहे वो करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो तो करेक्ट फेस सीक्वेंस का जो आउटपुट निकल रहा होगा वो रेड येलो ब्लू कॉन्टेक्टर ये वाला होल्ड होकर देगा और अगर इनकरेक्ट फेस सीक्वेंस होगा तो वो ये वाला कॉन्टेक्टर लैच करके इसे सप्लाई देगा। एक वक्त में एक कॉन्टेक्टर ऑन हो सकता है एक वक्त